कांग्रेस पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने लंबे समय के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से अपना इस्तीफा 5 पन्नों में लिखकर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। गुलाम नबी आजाद उन नेताओं की फहरिस्त में शामिल हैं जिनकी विरोधी दलों के लोग भी इज्जत करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने आज तक अपने किसी भाषण में किसी भी विपक्ष के नेता के लिए कटु शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं किया। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 को कश्मीर के डोडा जिले के सोती नामक गांव में हुआ। गांव के लोग आजाद को विनोद प्रिय, शांत और मधुर स्वभाव वाले नेता हमेशा कहते थे। साल 1973 में गुलाम नबी आजाद ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उनकी निजी जिंदगी के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की मशहूर लोक गायिका शमीम देव से शादी की। शमीम देव को उनकी मखमली आवाज के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2007 में गुलाम नबी आजाद की पत्नी को कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड मिला। कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए साल 2010 के गणतंत्र दिवस पर उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। गुलाम नबी आजाद और शमीम की शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम है सद्दाम नबी आजाद और बेटी का नाम है सोफिया। एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आजाद और उनकी पत्नी की पहली मुलाकात हुई थी। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद की पत्नी एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को काफी ज्यादा पसंद करती आई हैं। कई बार राहुल गांधी की तारीफ भी उन्होंने की है। वो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का और देश का भविष्य समझती थी। लेकिन आज हालात कुछ इस कदर बिगड़े हैं कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ा। कांग्रेस से बाहर हुए गुलाम नबी आजाद ने कई सवाल थे जो पार्टी पर उठाए, राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाए। अब इन सवालों का जवाब आगे आने वाले वक्त में पार्टी किस तरह से देगी, देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।